Hello guys, today I am going to tell you the difference between IAS, IPS and IFS. So हम लोग सोच तो लेते हैं कि हाँ चलो UPSC है तो prepare कर लेते हैं, लेकिन आखिर UPSC के अंदर जो services हैं उनके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है कि आखिर उन services में हमें काम क्या करना पड़ेगा. If we got selected तो हमारा काम क्या होगा. So before preparing and before joining any of the job, we should know कि कौन सी job में कैसा work हमें करना होगा. So that is our responsibility. Okay, so today I am gonna tell you the difference between IAS, IPS and IFS. First of all, I want to tell you one thing before starting the video and telling you the difference. देखो IAS, IPS और IFS. IFS जो भी बनता है ना वो सब अपने हार्डवर्क से बनते हैं. आपको पता है UPSC खुद में ही एक इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो हर कोई मेहनत करके इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद इतना लॉन्ग प्रिपरेशन, एक साल डेढ़ साल प्रिपरेशन करते हैं, फिर एक साल अपनी खुद की एग्ज़ाम होती है, तो उन सब चीज़ों के बाद वो सिलेक्ट होते हैं, दे गॉट सिलेक्टेड, फिर उनको जाके वो पोस्ट मिलता है. तो ऐसी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी पोस्ट जो है वो बड़ी है या कौन सी छोटी है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए. सब अपने में एक प्रेस्टीज जॉब है. सो दे ऑल गॉट सिलेक्टेड बाय डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट. और वो तीनों ही पोस्ट पे जितने भी लोग होते, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, तीनों ही सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से. दे आर हेल्पिंग हैंड for the society. Okay, now I am going to start the video and telling you the difference between so Indian Administrative Service. So हम हमेशा सुनते हैं, हर कोई बोलता है हमें IAS बनना है या हमें UPSC करना है, हमें UPSC क्रैक करके IAS बनना है. तो आखिर IAS अगर बन जाओगे तो काम आपको क्या करना होगा, हाउ यू कैन सर्व, हाउ यू कैन हेल्प द सोसाइटी. सो IAS का पहला काम क्या होगा, फर्स्ट दे शुड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. मतलब जो भी लॉज बन रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, मिनिस्टर्स द्वारा, तो उनको देखना है कि सोसाइटी में वो अच्छे से रन हो रहे हैं कि नहीं. और कभी कभार मिनिस्टर्स को भी मीटिंग में जाके एडवाइस करना होता है. मिनिस्टर्स जो होते हैं IAS से एडवाइस लेते हैं, जैसे कोई साइंस एस्पेक्ट है, उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको कोई एडवाइस लेना है, तो वो मीटिंग करवाते हैं और उनसे सजेशन लेते हैं. जो उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे लगता है वो अपनी पॉलिसीज फ्रेम करने में उसको यूज़ करते हैं. सो IAS इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द मिनिस्टर्स एडवाइस एंड हेल्प देम टू फ्रेम द पॉलिसीज. उसके बाद जो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो देखा जाता है. IAS लोग उनको, जैसे ये सरकार है, सरकार ने कोई लॉ बनाया, मिड डे मील स्कीम बनाया है, तो IAS का क्या वर्क है, वो जाके वहाँ स्कूल्स में देखेंगे कि वो मिड डे मील जो स्कीम है वो प्रॉपरली रन हो रही है कि नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, कहीं वो खाना पैसे दे के तो लिया नहीं, दिया तो नहीं जा रहा जो भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल चाइल्ड हैं. तो ऐसे उनको प्रॉपर चेक रखना होता है. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी स्कीम है वो लागू हो रही है कि नहीं. उसके बाद जो पब्लिक फंड्स के एक्सपेंडिचर हैं उनके लिए भी उनको ध्यान रखना होता है. सो दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोशल वर्क. नाउ द IPS, IPS इंडियन पुलिस सर्विस. सो दे हैव टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. उनको ये देखना है कोई क्राइम तो हो नहीं रहा ना, जो भी क्राइम हो रहा है उसको अपने अंडर कंट्रोल रखना है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली रखना है. VIP सिक्योरिटी में भी उनको रिस्पॉन्सिबल होना होता है. जैसे कोई VIP है, कोई फंक्शन है, या जैसे कोई नेशनल इवेंट है लाइक इंडिपेंडेंस डे,
और रिपब्लिक डे, तो उनको VIP सिक्योरिटी का भी पार्ट बनना पड़ता है। इवेंट लाइक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, तो उनको VIP सिक्योरिटी का भी पार्ट बनना पड़ता है। और यहाँ पे भी अगर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, तो उनको VIP सिक्योरिटी का भी पार्ट बनना पड़ता है। और यहाँ पे भी अगर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, तो उनको VIP सिक्योरिटी का भी पार्ट बनना पड़ता है। और यहाँ पे भी अगर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, तो उनको VIP सिक्योरिटी का भी पार्ट बनना पड़ता है। और यहाँ पे भी अगर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, तो उनको VIP सिक्योरिटी का भी पार्ट बनना पड़ता है। और यहाँ पे भी अगर ड्रग्स वाली रिपब्लिक डे, तो उनको VIP सिक्योरिटी का भी पार्ट बनना पड़ता है। और यहाँ पे भी अगर ड्रग्स वाली रिपब्लिक डे, तो उनको VIP सिक्योरिटी का भी पार्ट बनना पड़ता है। और यहाँ पे भी अगर ड्रग्स वाली, आई एक्सप्लेन दैट इन अनदर वीडियो। नाउ आई विल टेल यू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सो इसमें हमें बेसिकली अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर आप IFS बनते हो, तो आपको जो भी एरिया दिया जाता है, जो भी कैडर दिया जाता है, वहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज ध्यान रखने होते हैं कि बेफिजूल में विदाउट एनी रीज़न कोई आपका वुड तो नहीं है। वहाँ के जो भी एनिमल और प्लांट्स के हैबिटेट है, मतलब जैसे कोई भी एनिमल और प्लांट्स को हंट तो नहीं करा जा रहा है, उनके हैबिटेट तो डिस्ट्रॉय नहीं करे जा रहे हैं जहाँ पे वो रहते हैं, और जो भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनते हैं वो सब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ें, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ होते हैं IFS की। सो हमें ये पता होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी सर्विस कि हमारे को अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम कैसे उसको मतलब वहाँ पे हम कैसे अपना काम करेंगे। तो कुछ भी पोस्ट मिले गाइस, कोई सी भी पोस्ट मिलती है हम लोगों को, तो हम ये देखते हैं कि हम जो है किसी ना किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। सो हमें ये देख के नहीं आगे बढ़ना चाहिए कि यार ये तो बड़ा बोरिंग काम है, हम इसमें क्या करेंगे क्या नहीं। वी हैव टू सी दैट कि हाँ, वी आर गेटिंग अ चांस टू सर्विंग द सोसाइटी, हमें सोसाइटी को हेल्प करने के लिए मौका मिल रहा है। सो दिस इज़ द वे वी कैन थिंक, दिस इज़ द राइट वे आई कैन से। सो आई हैव टू टेल यू अबाउट IAS, IPS एंड IFS। आई विल मेक मोर वीडियोज फॉर मोर पोस्ट। आई विल ऑल्सो टेल देयर एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया एंड देयर वर्क ड्यूटी एंड सैलरी। मोर थिंग्स विल कम। ओके गाइज, इफ यू लाइक माई वर्क, प्लीज जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर। Okay guys, if you like my work